ये है लमगांव का बहुत ही सुंदर मार्केट। और शॉर्टकट का रास्ता ऐसे है ना, यहाँ देखो नीचे झाड़ी झाड़ी हो रखी है, पीछे पता नहीं कहाँ से ले जा रहे हैं यार, अंडरसेंट रास्तों से। लोग क्या बोलेंगे, मेहमान आ रहे ऐसे आ रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। और कुमंत्री गुरु जी ले जा रहे हैं हमें उल्टे रास्तों से, पर मजा आ रहा है रास्ते से जाके। सदा नी नी रहने जो तो तेरी जमदारी। तो मैं हूं आपका अपना छोटा भाई अभिषेक थपलियाल और आप देख रहे हैं फ्रॉम यूके 09 ब्लॉग्स डायरेक्ट लाइव, हर पल हमेशा आपके साथ। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा कि हम रुके हुए थे जीजा जी के घर पे, और रात को मैं आपको लमगांव बाजार दिखा नहीं पाया क्योंकि लाइटनिंग बहुत कम हो चुकी थी। तो अभी का जो प्लान है वो ये है कि हम लमगांव से निकल रहे हैं सेरा के लिए, जो कि गुरु जी का गाँव है, और अभी हम इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का। गाड़ी आने वाली है तो उस पर चलेंगे। तो उससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको थोड़े बहुत लमगांव के सिनेमैटिक शॉट्स, और हमारे जीजा जी की दुकान है यहाँ जो कि बहुत ही जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो उनकी दुकान भी दिखाता हूँ मैं कि कहाँ पे है। तो ये है हमारे जीजा जी की दुकान, जोशी मेडिकल स्टोर, जो कि चौराहे के ठीक आगे है, जहाँ से मतलब जो मेन सेंटर है उससे ठीक आगे है। तो ये हैं हमारे जिया जी, और ये हैं बहुत ही जाने माने आयुर्वेदा के डॉक्टर, और हमारे नाना जी भी हैं साथ में, जिन्होंने जोशी मेडिकल स्टोर को इतनी बड़ी बुलंदियों पे पहुंचाया है। आज की लमगांव में हर व्यक्ति इस स्टोर को जानता है, और काफ़ी जाने माने चिकित्सक हैं यहाँ के। तो इसी के साथ अभी मैं दिखाता हूँ आपको लमगांव मार्केट के थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट, उसके बाद मिलते हैं वापस, और उसके बाद बढ़ते हैं सेरा गाँव के लिए। तो इसी के साथ गुरुजी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये है लमगांव बाजार जिसकी प्रसिद्धि जानी मानी है। तो इसी मौके पे ना, और जो वातावरण हो रखा है उस पर एक गाना याद आ रहा है मुझे, मैता की है रियाली ही बाण दारुओं ने दिखा दी। ये हुई ना बात। अब हम चल रहे हैं सेरा गांव की तरफ, और गुरुजी के कोई जानने वाले हैं, क्या उनका नाम, प्रदीप भाई हैं उनकी, हाँ मतलब चाचा जी हैं गुरुजी के, तो वो आ रखे थे यहाँ जीजा जी के पास। थोड़ा उनकी अपनी बच्चे की तबीयत ख़राब थी उनकी, वो दिखाने आ रखे थे, तो उन्हीं के साथ हम निकलने वाले सेरा गाँव। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमें ले जा रहे हैं, और शायद वो किराया भी नहीं लेंगे। तो देख सकते हैं आपके कल से ट्रैवलिंग ऐसी चल रही है, बिना किराए के इधर उधर जा रहे हैं, और आपको पता है अभी हमें सस्ते व्लॉगर, हमारे पास किराया नहीं रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका जोश। हाँ, मैं गरीब हूँ। तो जो लोग हमें लिफ्ट देते हैं ना, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, दिल से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा। और आपने देखा अभी पीछे मेरे लमगांव का मार्केट, और आप चल रहे हैं सेरा गांव की ओर। तो बढ़ते हैं और मिलते हैं आपको आगे। तो इसी के साथ गाइस हम पहुंच चुके हैं सेरा गांव, गुरुजी का अपना गांव। तो गुरुजी हमको ले जा रहे हैं शॉर्टकट के रास्ते, और शॉर्टकट का रास्ता ऐसे है ना, यहाँ देखो नीचे झाड़ी झाड़ी हो रखी है, पीछे पता नहीं कहाँ से ले जा रहे हैं यार, अंडरसेंट रास्तों से। लोग क्या बोलेंगे, मेहमान आ रहे ऐसे आ रहे।
तो जो भी है पहले चलते हैं गुरुजी के यहाँ और मिलते हैं। और सेरा गांव के सिनेमैटिक शॉट तो एक ही देखा है अभी ऊपर से, क्योंकि व्यू आ नहीं रहा है इतना अच्छा, नीचे से बताएंगे। बाकी तो अभी चलते हैं, रास्ते पे बढ़ते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सब लोगों से। कुमंत्री गुरुजी ले जा रहे हैं हमें उल्टे रास्तों से, बड़ा हरामी हो बेटा। जाने के लाई आजूरे याद ओनी माया रे, सोला बरस बीती गी सेरा गौनी गाई रे, तो इसी के साथ अभी हम पहुंच चुके हैं गुरुजी के घर पे। और ये है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, ये है गुरुजी का घर, थोड़ा पुराने स्टाइल में है, जिसको बोलते हैं तिवारी वाला सिस्टम। तो अभी चल रहे हैं अंदर और देखते हैं कि गुरुजी की ये वाली पुश्तैनी हवेली कैसे लगती है। तो गुरुजी अभी दरवाजा खोल रहे हैं। जी कैसा लग रहा है आपको अपने पुराने मकान पे वापिस पहुंच के? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा गांव तो सुंदर वादी में बसा है, आप देख लो कैसे सीन है, देखो ऐसे क्या सामने पे गदेरा भी है, क्या नजारे हैं, क्या नजारे, मन तृप्त हो गया यार। गुरुजी एक बात तो सही बोलते हैं कि गुरुजी ने हमको बोला था कि थपलियाल तू जहां मेरे साथ जाएगा वो जगह गजब की होगी, और आप देख सकते हैं कि कितनी गजब की जगह है ना। तो कितना टाइम हो गया वैसे तुम्हें इस मकान को यहां छोड़े हुए? काफी टाइम नहीं हुआ, एक साल। आते जाते रहते हैं ना घर वाले भी, पर अब गुरुजी की थोड़ी माता जी की तबीयत वगैरह भी थोड़ा खराब रहने लग गई है, इस चक्कर से वो ऋषिकेश ही रहते ज्यादातर। तो एक बार देखिए यार कि क्या नजारा है यार, मतलब ऐसी जगह से किसी का जाने का जी कैसे ही बोल सकता है। पर ऐसा है कि अब पहाड़ में इतनी सुविधाएं सुख सुविधाएं ना होने के कारण इंसान को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कीजिए। और वहाँ नीचे गार्ड है, वो सामने आप देख सकते हैं, वहाँ नीचे गार्ड है। तो अभी थोड़ी देर बाद जब टाइम लगेगा उसके बाद चलेंगे वहाँ। और शायद जो वहाँ पे पेड़ दिख रहा है ये है गुरुजी के जो कुल देवता हैं काल भैरव, उनका मंदिर है यहाँ नीचे, तो उसको भी दिखाएंगे, उसकी पूजा और देख रेख गुरुजी के चाचा जी करते हैं। तो अभी पहले थोड़ा विश्राम करते हैं, मुंह हाथ धुलते हैं, चाय पानी पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सब लोगों से। तो इसी के साथ सुंदर नजारे अभी खत्म नहीं हुए होंगे, और हमारे गांव में अभी हम थपलियाल भाई को थोड़ी चाय नाश्ता करवाते हैं, थोड़ी पानी पूनी और थोड़ी हम सफाई सफाई करेंगे घर की, और हमारा दिखाएंगे आपको पूरा गांव का नजारा, पूरा एक एक कोना दिखाएंगे। और ये हमारा सौभाग्य है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें, और भगवान मैया ज्वालपा की कृपा और भगवान काल भैरव का साक्षात आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि आज हमको इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम गुरुजी के गांव आए ऐसी प्यारी लोकेशन पे, और मजा आ रहा है यार, मन तृप्त हो गया। गुरुजी थैंक यू है यार तुम्हारे लिए, इस चीज के लिए कि तुम यहाँ लाए, और यहाँ आने का आज गुरुजी कारण क्या है पहले एक बार लोगों को बताओ। यहाँ शादी है हमारे गांव, शादी है गुरुजी के चाचा की शादी है, तो उस चक्कर से हम यहाँ आए, और गुरुजी ने बोला था कि थपलियाल आप भी चलोगे हमारे साथ, तो हमने कहा गुरुजी आपने बोला है तो हम तो जहन्नुम चलने को तैयार है, ये तो फिर भी आपका गांव है और जहन्नुम नहीं बोल सकते, ये जन्नत है। तो अभी मिलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ, चाय पानी पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सब लोगों से। तो इसी के साथ अभी पहुंच चुके हैं चाचा जी के घर पे, गुरुजी के जिनका आज मंगल स्नान होने जा रहा है, और मंगल स्नान हो चुका है नीचे शुरू, तो अभी नीचे लेके चलता हूँ मैं आपको और बताता हूँ कि कैसे चल रहा है और कैसे पहाड़ में मंगल स्नान होता है और कैसे पहाड़ की शादी को रीति रिवाज से मनाया जाता है, पूरे हर्ष और जोश के साथ मनाया जाता है। तो चलते हैं नीचे, तब तक बने रहिए हमारे साथ।
आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अभी इसी के साथ मंगल स्नान हो चुका है खत्म और हमको मिले बहुत सारे चाचा जी लोग जो कि बहुत दूर दूर से आए हैं शादी को एंजॉय करने के लिए। तो कैसा लग रहा है आप सबको आज? बहुत मजा आ रहा है कि सब लोग इकट्ठा हो रखे एकदम मजा आ रहे हैं। तो यही रीति रिवाज और इन्हीं हर्ष और उल्लास के साथ पहाड़ी शादियों का यही जोश और यही उमंग रहती है। और इसी के साथ अभी मंगल स्नान हो रहा है, तो अभी जो दूल्हे हैं वो नहाने जा रहे हैं, उसके बाद बाहर आएंगे तब दिखाते हैं आपको। तब तक आप देखिए कि आसपास कैसा मंजर चल रहा है, उसके बाद मिलते हैं आप सबसे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। तभी मंगल स्नान आरती और सुंदर नृत्य खत्म हो चुका है और अब सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और आज का जो खाना है वो थोड़ा स्पेशल ढंग में मतलब परोसा जा रहा है, प्योर गढ़वाली स्टाइल बोलते हैं, जिसे नीचे बैठ के भड्डू की दाल और जो पतीले का भात होता है वो परोसा जाएगा और बड़े चाव से लोग खाते हैं इसे। इसी का असली मजा है पहाड़ी शादी में, तो दिखाता हूँ मैं आपको।
हमें तो बिल्कुल ऐसा लगा कि मक्खन में। ये हमारे डीलर साहब हैं, ये डीलर साहब हैं और ये जाने माने हैं, जाने माने हैं, भरपूर उपल रमोली में, उपली रमोली में। किसी को गोवा बेंगलोर में संपर्क करना, किसी को ऊपर छत पे बैठना है, गाड़ी में बैठना है तो राइड करने आ जाए। तो इसी के साथ खाना पीना हो चुका है खत्म और मजा आ गया नीचे बैठ के खाने में, क्योंकि असली मजा तो पहाड़ी कल्चर का नीचे बैठ के खाने में ही है। इसी के साथ अभी पहुंच चुके हैं गुरु जी के दादाजी के यहाँ से, वो क्या है और आप कहाँ पहुंच गए? अपने घर पे आ गए हैं। हाँ, तो कैसा लगा मंगन इस्लाम? बहुत बढ़िया। और तुमने तो भयंकर ही मंडान में डांस भी किया है, मैंने तो मिस कर दिया। चलो देखते हैं रात को मौका मिलेगा। बोल दिया था थपलियार भाई को डांस नहीं, पर फिर भी होता है, अगर रात को मौका मिलेगा थोड़ा तब कर लेंगे। तो उसके बाद अभी ऐसा सीन है कि थोड़ा विश्राम करते हैं, उसके बाद से शाम को मिलते हैं आप सब लोगों से। तो अभी फिलहाल अंदर बैठते हैं और थोड़ा विश्राम करते हैं, मैं थोड़ा फोन वगैरह भी चार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप सब लोगों से। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मैं आपका अपना भाई अभिषेक थपलियाल फ्रॉम यूके 09 ब्लॉग डायरेक्ट लाइव।